हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, शाम के 5:20 है और यहाँ पे हदी कहानिया रेडी होके बिल्कुल बैठी हुई है ना। आज हदी कहानिया ने स्कूल की वो मदरसे की भी छुट्टी की है और ट्यूशन की भी है ना। कहाँ जा रही हो हानिया? जू जा रही है। तो हदी कहानिया के बाबा, हम लोग नाश्ता कर रहे थे, फिर इनके बाबा ने बोला चलो आज इनकी छुट्टी कराओ, मदरसे की भी और जो है ना ट्यूशन की भी, और हम इनको लेके चलते हैं जू, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोग बोल रहे थे हमें जू जाना है, जू जाना है। फिर न्यू ईयर वाले दिन भी इनके बाबा कह रहे थे कि जू चलना है या वहाँ चलना है, तो फिर हम लोग पोर्ट ग्रैंड चले गए थे और जू का कैंसिल हो गया था। तो फिर आज इनके बाबा फ्री थे, आज उनके काम की छुट्टी थी, तो उन्होंने बोला चलो चलते। तो बस अभी हम लोग रेडी हो गए, इनके बाबा गए हुए गाड़ी लेने। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे और जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सर्दियाँ इन्जॉय कर रहे होंगे। तो बस इसी तरीके से हम भी सर्दियाँ इन्जॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी सुस्ती चढ़ी रहती है कि हम जो है ना व्लॉग नहीं बना पाते। तो बस अपनी सर्दियाँ इन्जॉय कर रहे हैं। और अब हदीका हानिया मुझे डिस्टर्ब करने में लगी हुई, अभी मैंने हदीका को डांटा है और फिर अब हानिया की बारी है ना। हानो, हानिया के क्लिप मैंने इतनी मैचिंग से लगाए हैं आज, बिल्कुल 1x1 3 लगाए, 3 कलर मैच, इसकी शर्ट में 3 कलर आ रहे हैं ना, तो वो इसके सर पे 3 कलर मैच करके। और हदीका बनी हुई है वाइट ग्रे एंड सितारों वाली लुक दी हुई है हदीका की, पेंट में भी सितारे लगे हुए हैं, सितारे सितारे लगे हुए हैं ना। हदीका आने के शूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे शूज़ भी हैं पर मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, हदीका आने के मुझे ज़्यादा प्यारे लगते हैं शूज़। उधर भी डिस्को है, ग्लिटर लगा हुआ है, ग्लिटर टाइप शूज़ हैं इन दोनों। भाई रात को आके मैं आपको पील करके दूंगी ना, फिर आप खाना, अभी रख दो, चलो बाबा को कॉल करते हैं। जी तो मैंने तो इनसे किया था ना प्रॉमिस, तो मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया। इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, सब में अधिकारियों के दोनों के ए ए आए थे। आज ही मैंने रिजल्ट भिजवाया, अगर मेरे पास होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती, बट बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे इन दोनों के। हानिया की टीचर्स ने तो मुझे कहा कि जो है ना हानिया की तारीफ के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है, वो क्या अल्फाज कर बोलें और जो है ना हानिया की तारीफ करें। तो हानिया का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, अधिका का भी बहुत अच्छा आया, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। पिछली वीडियोस में आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैंने अधिका आने से वादा किया था कि अगर इनका रिजल्ट अच्छा आया तो मैं इनको स्कूटीज दिलाऊंगी, तो मैंने दिला दी। अब चला के दिखाओ ज़रा। हाँ चलाओ। तो बस सारा दिन ये लोग इस तरह चलाती हैं, वो शोर करती हैं, नीचे वाली आंटी आके जी चलाए। और हानिया की स्कूटी तो मुझे इतनी पसंद आती है ना कि मेरा दिल करता है मैं खुद चलाऊं। अभी जो है ना लाइटें मैंने ऑफ करी हुई है, आप लोगों को अंधेरा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो है ना जा रहे हैं हम लोग, तो इनके बाबा का वेट कर रहे हैं हम लोग, तो बस इस वजह से लाइट ऑफ कर दी मैंने। बस लाउंज की ऑन हुई हुई है क्योंकि लाउंज में हम खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, खड़े हो गए। अब मैंने उनको कॉल करी थी तो उन्होंने बोला बस मैं 15 मिनट्स में आ रहा हूँ, तो इसलिए अब मैं मोबाइल को लगी हूँ चार्जिंग पे लगाने। आ गए इनके बाबा और चलते हैं हम लोग। चलो आ जाओ बच्चों। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। जी ये उतार दूँ, वॉच उतार दूँ? मेरी वॉच से क्या मसला है अधिका? हाँ नहीं आओ, और ये वाहिबा फोन क्यों खराब है आपका? वाह फ्लावर नहीं उठी हुई है, अभी नहीं चोएंगी। ये बाबा तो वापसी आ गए, मिठाई तो ली नहीं बाबा ने, अभी देखो क्या बोलते हैं आगे। इसके बाद नहीं बोला, ले दिया है आगे उससे ले। ए बोलो बाबा अपने लिए कुछ लेना। तो वहाँ से हमें ना मिठाई मिली ना केक मिला, और डिलेजिया से भी ना केक समझ आ रहा है ना मिठाई समझ आ रही है। हैप्पी 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 जी जी। इतनी बेकरियों पे गए ना, ये हमारी तीसरी बेकरी है, मिठाई के चक्कर में हम इतना इतनी देर से घूम रहे हैं, जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा है ना। और
अब हमने जू जाना भी कैंसिल कर दिया, अब हम जा रहे हैं किसी के घर। ईमान, हाँ ईमान के अधिका की फ्रेंड है ईमान, उनके घर जा रहे हैं। अब हमने जू जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि जू में आ गए होंगे अभी मच्छर, मगरिब का टाइम हो गया तो बस इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे, हमने कैंसिल कर दिया जू का प्रोग्राम। और हम जा रहे हैं अधिका हानिया के फ्रेंड के घर, ईमान के घर, है ना। बेचारी खेलने जा रही है भाई के साथ। आज दिन है फ्राइडे का और रात को हम लोग आ गए थे, हम रात को देर से आए थे, खाना हमने बाहर खाया था और फिर हम तकरीबन 12-12:30 बजे हम लोग घर पहुंचे थे। तो उसके बाद सो गए थे, बच्चे थके हुए थे, फिर बच्चे सुबह स्कूल चले गए। जी जी बिता जी, तो फिर हम सुबह लोग सुबह अधिकारियाँ स्कूल चली गई थी, स्कूल से आने के बाद वो लोग सो रही हैं और जो है ना अब मैं उनके लिए, मैंने अभी नमाज पढ़ी है, अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है। अब हम जा रहे हैं किचन में, खिचड़ी बना रही हूँ अधिकारियों के लिए ताकि वो लोग खा के फिर 3 बजे मदरसे जाए। तो अभी जो है ना गैस नहीं आ रही है तो मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा ऑन किया है और ये पतीला रखा हुआ है और वो मेरी कॉफ़ी के लिए मैंने पतीला रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, इसमें कॉफ़ी डाल के देखना। तो मैं वाइबा को देती हूँ, अब कोको मैंने लगा के देती हूँ और मैं चलती हूँ किचन में अपना काम करने। जी तो अभी जो है ना अधिका आनिया चली गई हैं खाना खा के मदरसे, तो बस मैंने सोचा मैं व्लॉग का एंड कर लेती हूँ, वाइबा सो रही हैं और जो है ना बस अभी जो है ना व्लॉग का एंड करने लगे। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।